करोड़ों लोगों को ज्ञान दिया, नाम बना, नेम मिला, फेम मिला, ब्रांड मिला, लेकिन हमने एक तमन्ना रह गई के टोटल लाइफ की प्रायोरिटीज में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी सेहत, उसके ऊपर काम नहीं कर पाया। वो एक तमन्ना थी, गिल्ट फीलिंग हो रही थी, और उसके लिए मैं चला 1.5 साल पहले काफी कंपनीज के पास रिसर्च की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी ऐसी कंपनी के पास जाऊं जहां पर मेरा नाम खराब हो। बाटी साहब ने मुझे कहा तेरा नाम बड़ा है इसलिए बोल रहा हूं। मेरी एज में नहीं जाइएगा, मेरी दाढ़ी का रंग नहीं देखिएगा, ये 8 नवंबर 2016 को सफेद की गई जब मोदी जी ने कहा था कुछ भी काला नहीं रहना चाहिए। तो पैसा तो मेरे पास था ही नहीं काला, पैसा तो काला था ही नहीं, दाढ़ी काली थी उसी को सफेद कर दिया। कितनी कंपनीज को रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा, मेरे अपने पिताजी की बात मुझे याद आ गई कि बेटा जब भी बिजनेस करेगा, जब भी किसी मिशन के साथ जाएगा, तो हाथी की पूंछ बन जाना, गधे का सिर ना बनना। और आज मैं हाथी की पूंछ बन के यहां आ गया। हाथी को सैल्यूट मिलेगा तो मुझे सैल्यूट मिलेगा, हाथी को चारा मिलेगा तो मुझे भी चारा मिलेगा। अगर गधे का सिर बन जाता तो सबसे पहले चोट तो मेरे मुझे ही लगती, क्योंकि सिर तो नहीं था। इस मिशन में एज ए नेटवर्कर आया हूं, एज ए स्पीकर नहीं आया हूं, एज ए नेटवर्कर आपके साथ हूं। और विश्वास करना 16 जनवरी को मैंने फॉर्म भरा है, और 16 जनवरी से लेके आज तक ये बटन यही लगा हुआ है। ये टाई मुझे आज मिली है इसलिए आज पहन ली है। मेरे फेसबुक पेज पे जाइएगा, वहां पर आपको पूरा दिखाई देगा कि ये बंदा अब IMC के रंग में रंग चुका है। पहले नींद नहीं आती थी, सेमिनार कब मिलेगा, कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा साल नहीं मुझे सेमिनार में मिले हो, और कोई ऐसा दिन नहीं जब मुझे परेशानी ना हुई हो कि यार पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसलिए नींद नहीं आ रही कि मेरा नेटवर्क बड़ा कब होगा। सुबह 3:45 बजे उठ जाता हूं और पिछले 8-10 दिन में यही कुछ कर रहा हूं। मैं मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, आज मोटिवेशन लेने आया हूं। सत्यन जी से मोटिवेशन मुझे मिल गई है, अशोक भाटिया जी से मुझे मिल गई है। दिल की बात कर देता हूं इन दोनों से माफी मांग के, दिल से बोलता हूं, मुझे नहीं पता सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। आप सबके लिए, अगर आपने जिंदगी में सच में कहीं पहुंचना है, और अगर पहुंच चुके हैं और उससे भी आगे जाना है, तो सबसे ज्यादा इज्जत अपनी डाउनलाइन की करना। बस अगर भाटिया साहब सामने आए और आप अपनी कुर्सी ना छोड़ो, शिष्टाचार कहता है छोड़ो, अगर आप बैठे हो और भाटिया साहब सामने आ गए, सत्यन जी सामने आ गए, एमडी साहब सामने आ गए, शिष्टाचार कहता है छोड़ो, और अगर आपने नहीं छोड़ी तो ये कोई गुनाह नहीं है। और अगर आपकी डाउनलाइन आपके सामने आ गई और आपने कुर्सी नहीं छोड़ी तो ये पाप है। मेरे घर में, तेरे घर में, तेरे घर में, सभी के घर में चेक कर लेना, अगर आपके पास डाउनलाइन ना होती तो आपकी दाल आधी रह गई होती, ये आधा रह गया होता, आटा आधा रह गया होता, चावल आते रह गए होते, शायद बच्चों की स्कूल की फीस भी ना दे पाते। सबसे ज्यादा वैल्यू देनी है तो डाउनलाइन को देनी है, एंड डाउनलाइन में रहकर ना जाना, क्योंकि आपने भी तो अपनी डाउनलाइन से ही कुछ लेना है। yes! आपको भी तो वहीं से कुछ मिलना है। सो अब तो परिवार में हूं,
अब तो फैमिली का मेंबर हूं, जिंदगी में पहली बार स्टेज से कुछ बोल रहा हूं और मुझे पैसे नहीं मिल रहे। आज तक तो पैसे नहीं बोला है, पहली बार ऐसा हुआ है और पहली बार प्राइड की फीलिंग आ रही है, एक कितने लोगों को छोड़ पाता हूं इसकी भी बात नहीं कर सकूंगा, मैं एक्सपीरियंस्ड नेटवर्कर नहीं हूं। कितने लोगों को मैं पैसा कमा के दे पाता हूं इसकी कोई कमिटमेंट नहीं कर पाता हूं, लेकिन एक ही कमिटमेंट कर पाता हूं कि 24 आवर्स ऑल 30 डेज ऑल 365 डेज। आज मेरी उम्र है, आज से 19 साल पहले 40 साल की थी, मैं बताता नहीं किसी को। तो 104 साल मैंने जीना है, ये मैंने डिक्लेयर किया है। 2062 को मेरी डेथ होगी, 2062 तक जितने भी दिन हैं, जितने भी घंटे हैं, वो एफर्ट्स में, कमिटमेंट में कहीं कमी नहीं आएगी कि मैं लोगों की सेहत ठीक कर पाऊं और लोगों के घर में इनकम का एक सोर्स दे पाऊं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।